अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल खिलजी पिजन हाउस। क्या हाल है जी दोस्तों का? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ये देखो ये बच्चे को मार रहे हैं, लगता है अंडे और निकाल रहे हैं ना। ये बच्चा काफ़ी दिनों से इधर पड़ा है, तो ये माशाल्लाह जोड़ा न्यू बन रहा है। तो मैंने कहा काफ़ी अरसे के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, तो इधर की सफाई सफाई भी कराते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ना क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, ये सभी परिंदे माशाल्लाह फिट रहे हैं। ये कुछ बच्चे निकले हुए हैं, कुछ फैंसियों के रखे थे मैंने, और ये कुछ इधर बच्चे निकले हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। ठीक है जी, और इधर एक अंडा आ गया जी, दो बल्कि इधर गया अभी। इधर भी माशाल्लाह दो बच्चे हैं जी, देख सकते हो। ठीक है जी, ये दो बच्चे माशाल्लाह ठीक हो गया जी। और इधर 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 एक बच्चा है जी। ठीक है जी, ये रहा एक बच्चा, एक अंडा इनका ख़राब लग रहा है। तो और भी दिखाते हैं, नीचे गया अभी, नीचे अंडों पे बैठी है माँ। ठीक है जी, इधर से इधर आते हैं। अच्छा जी, इधर से इधर हम जा रहे हैं दूसरे खाने में, जाकर देखते हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये दो बच्चे इधर निकले हुए हैं माशाल्लाह जी, फैंसियों के हैं जी। ये आपको दिखाते हैं, ब्लैक है ना, ब्लैक लग के बनेंगे। ये येलो, ये मादी है, इसके बच्चे हैं। ब्लैक या वाइट या येलो निकालती है ये नर है ना। ये मैंने वैसे ही जोड़ा लगाया था, मैंने कहा देखते हैं क्या निकलता है, पर कभी येलो निकल जाते हैं, कभी वो देखो वो ब्लैक वो निकल आते हैं, और कभी वाइट निकल आते हैं। चलो ऐसे जोड़े बन जाएंगे ना हमारे अच्छे तरीके से ना। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं उधर। इधर जी, इधर क्या है, इधर इन्होंने अंडे निकाले थे काफी दिन पहले, मैं आया था दो चार हफ्ता पहले आया था गल्प। देखते ना क्या है, अंडे ही हैं अभी ना, देख लेते हैं इनके, दो चार दिनों में ना पता चल जाएगा। बगाया जी माशाल्लाह, ये भी अंडों पे आए हुए हैं, इनको कैल्शियम वगैरह डालते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी माशाल्लाह, इधर भी माशाल्लाह लोगों ने दो अंडे बच्चे निकाल लिए। ठीक है जी, इधर अभी नहीं है। अच्छा भाई, उधर भी माशाल्लाह दो बच्चे पल गए हैं। ठीक है जी, बड़े हो गए माशाल्लाह जी। नहीं भी आया तो ब्रीड चल रही है, इधर अंडे हैं होंगे, क्योंकि दो चार दिन पहले इधर कुछ भी नहीं था। वैसे ही आया था नज़र लगाने के लिए ना, मैंने कहा देख लेना परिंदों को क्या कर रहे हैं परिंदे। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है भाई? अच्छा ख़ारिश कर रहा है, मैंने कहा पता नहीं दाना बाहर निकाल रहा है अपना, क्योंकि ये ध्यान वगैरह रखना पड़ता है भाई, ना रखेंगे तो परेशानी होगी, दवाई वगैरह चलती रहती है। ये जो उन सब फ्रील के दोनों ना लगते हैं मुझे ना मादी ही लग रही हैं, क्योंकि ये नर होते तो अभी तक गुटकने लग जाते, मादी है मेरे पास ज़्यादा जुड़, ये तो नर लग रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक हो गया जी। चलो इसका कन्फर्म हो गया, ये नर है और वो मादी है, ठीक है ना। माशाल्लाह जी, चलो इनको नर को कोई हफ्ता दो हफ्ता और देते हैं, कोई 10 बार अच्छे तरीके से साफ कर लेगा ना, फिर इसको मादियाँ अंदर पड़ी हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ मादियाँ वगैरह, वो देखो ये सब मादी हैं चारों की चारों, ऊपर वाइट है दो, नीचे कलर वाली है। इसके बाद इधर भी आते हैं ना बाहर जाल में, जाल में क्या रखा हुआ है हमने और क्या ब्रीड जो चीज़ इन्होंने दी है वो
बच्चे वगैरह निकाले नहीं, अंडा ही पड़ा है अभी तक तो। चलो देख लेते हैं। एक तो पिछले दिनों में चूहे वगैरह डल गए थे, बहुत प्रॉब्लम दी उन्होंने, चूहे ने बच्चे खा गए, अंडे खा गए, अभी भी शायद हो सकते हैं इधर। चलो जब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, मज़ीद मालूमात के लिए चैनल विज़िट करें। खुदा हाफिज़।